Amazing. शादी से पहले जब तुमने कहा था कि तुम्हें बाइक चलानी आती है, I didn't believe that. But you are serious. क्यों नहीं? तुमने भी तो कहा था कि शादी के बाद मुझे तुम्हारे कुत्तों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? जो कि हम दोनों ने एक दूसरे का वादा पूरा भी किया. दीपा, मुझे कार के लिए वापस जाना पड़ेगा. जानती हूँ, आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ. मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? तो ध्यान रखना. मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी ना तो तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं किसी भी परेशानी या किसी भी चीज से नहीं डरती. मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे अपने आप से ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे है. लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम मलिक, आपकी जो बीवी है ना, ये कमाल है. आत्मविश्वास सफलता की वो चाबी जो सफर में पड़ने वाली हर मुश्किल को आसान कर दी जाती है. इसी आत्मविश्वास के दम पर जिंदगी उड़ान भरती है, कामयाबी कदम चूमती है. यही आत्मविश्वास हमें दुख के, दर्द के, परेशानी के सागर से निकालकर नए मुकाम हासिल करने की हिम्मत देता है. कभी कभी हमें जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका आत्मविश्वास, जिनका हौसला एक ऐसी प्रेरणा बन जाता है जो हमें भी ऊंचाइयां छूने की हिम्मत देता है. हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही है. अर्जुन अवार्ड विनर, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट और रैली ड्राइवर दीपा मलिक. छे भी ना, पूरा घर उलट पुलट. ये देखो, साल 1999, दीपा की शादी को 10 साल हुए थे और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी. उसके पति लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम मलिक कारगिल में पोस्टेड थे और दीपा का सारा वक्त अपनी दो बेटियों का ध्यान रखने में ही बीतता था. डॉक्टर मेहता, हाय, दीपा बोल रही हूँ. जी, आज भी दर्द है. हम सोच रहे थे कि बचपन में की हुई सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन नहीं. डॉक्टर, मैं सोच रही थी कि टेस्ट करवा ही लूँ. लगातार पीठ और कमर में दर्द रहने की वजह से डॉक्टर ने दीपा को कुछ और टेस्ट करवाने के लिए दिल्ली जाने को कहा. दीपा ने वो सारे टेस्ट करवाए और फिर वो रिपोर्ट लेने पहुंची. वो नहीं जानती थी कि उस दिन उसे कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा. डॉक्टर प्लीज बताइए, क्या हुआ है मुझे? दीपा, कुछ चलने में कोई तकलीफ होती है? नहीं, क्यों? तो फिर एक छोटी सी वॉक पर चलें, कैफेटेरिया तक. जी चलिए. दीपा, आपसे एक बात कहूं, आप अपने हस्बैंड को वापस बुला सकती हैं? नहीं सर, उनकी पोस्टिंग तो कारगिल में है. क्या बात है, आप मुझे बताइए. आइए. दीपा, आपका ये चलना फिरना, ये बस अब कुछ दिन ही हो पाएगा. मतलब ये कि आपको स्पाइनल ट्यूमर है और वो इतना ग्रो हो चुका है कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप चल फिर कैसे पा रहे हैं. मेडिकली कहें तो आपको खड़े होने में भी परेशानी होनी चाहिए. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सर्जरी करा लें एज सून एज पॉसिबल, तभी कुछ चांसेस हैं.
कैसे चांसेस? मूवमेंट के चांसेस? नहीं, जिंदा रहने के। 29 साल की दीपा, जिसका बचपन बाइक चलाते हुए और स्पोर्ट्स खेलते हुए बीता, उसे अचानक पता चला कि उसकी सर्जरी के बाद अगर वो जिंदा बची तो कभी चल नहीं पाएगी। दीपा, आपका ये चलना फिरना ये बस अब कुछ दिन ही हो पाएगा। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द सर्जरी करा लें, तभी कुछ चांसेस हैं जिंदा रहने के, जिंदा रहने के, जिंदा रहने के। ऐसी खबर सुनकर कोई और होता तो वो इतना निराश हो जाता कि उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। लेकिन दीपा की सोच बहुत ही प्रैक्टिकल और सुलझी हुई थी। अगले 7 दिनों में दीपा ने अपनी वसीयत लिखी। अपने गहने बैंक में जमा करवाए और अपने घर को बहुत ही सलीके से ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद किसी को भी किसी भी किस्म की दिक्कत। हाँ माँ, मैं देविका और अंबिका को थोड़े टाइम के लिए आपके पास जयपुर छोड़ दूंगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ माँ, वो घर की चाबियां है ना, वो भी भिजवा दूंगी। मिलती हूँ फिर। और दीपा बिना किसी को बताए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान देने निकल पड़ी। लेकिन दीपा, बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, आपके फादर या हस्बैंड के कंसर्न के बिना हम ये सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहती। आई अंडरस्टैंड, लेकिन किसी एक को तो यहां नहीं पड़ेगा। हम सर्जरी एक हफ्ते के बाद करेंगे। डॉक्टर ने क्या बोला, सर्जरी के बाद कितने चांसेस हैं? सर्जरी करीब 17-18 घंटे चलेगी। बड़ी ही डेलिकेट सर्जरी है ये, और इस 18 घंटे की सर्जरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस खड़े होंगे ये पता नहीं। हाँ, उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन लेकिन क्या, शरीर के नीचे का आधा हिस्सा उसका पैरालाइज हो जाएगा। कोई सेंसेशन नहीं होगा, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी। दीपा कहाँ है? कहीं उसे ज्यादा घबराहट तो नहीं हो रही? घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। पर घबराने से कुछ नहीं होगा। ये चिट्ठी है, विक्रम तक पहुंचा देना पापा। मैंने इस चिट्ठी में सब लिख दिया है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का ख्याल कैसे रखना है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम तैयारी तो हो। पर क्यों ऐसी बात करती हो दीपा? बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रेडी दीपा? रेडी डॉक्टर। कहिए। एक रिक्वेस्ट है। कहिए। क्या मैं ऑपरेशन थिएटर तक चलकर जा सकती हूँ? पता नहीं कब मैं। और कुछ? हाँ, छोटी सी एक। हेलो मालिक साहब, जा रही हूँ मैं ऑपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट गर्ल। मैं फिर दोबारा कभी चल नहीं पाऊंगी। मैं हूं ना, सारी जिंदगी तुम्हें अपने हाथों में उठाकर घुमाऊंगा। आई प्रॉमिस टू यू, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बार बस वापस आ जाओ।
तुम वहां कारगिल में जीत कराओ, मैं यहां जीत कराऊंगी। और दीपा अपने कदमों पर चलते हुए अपनी किस्मत से मिलने चली गई। और जब वो वापस लौटी तो शुरुआत हुई उसके अगले जन्म की। ये लोग कब तक आते रहेंगे विक्रम? मैं सबसे मिलती हूं और सब यही कहते हैं, वो दीपा कितनी जिंदा दिल थी और अब देखो बिस्तर पर पड़ी है बेचारी, पूरी जिंदगी एक कमरे में कैसे बिताएगी? तुम तो जानते हो ना विक्रम, मैं हमेशा से यही कहती आ रही हूं कि मैं बीमार नहीं हूं। मैंने सोच लिया विक्रम, मेरी सर्जरी ने मुझसे मेरे चलने फिरने की काबिलियत छीन ली, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरा जज्बा पैरालाइज नहीं हुआ है, मेरा विश्वास चल सकता है, वो दौड़ सकता है। अब मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ। दीपा ने दोनों हाथों से जिंदगी को गले लगाया और पहले जैसी शिद्दत से ही अपनी बेटियों की परवरिश पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अंबिका जाओ ना बेटा। नहीं मामा, बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है, जाओ ना। नहीं मामा, बहुत डर लग रहा है, आपको कैसे बताओ? अगर आपकी मामा आपके साथ चलेगी तो आप जाओगी? दीपा के हौसले ने उसकी जान पहचान अपने ही अंदर छुपे आत्मविश्वास से कराई और फिर दीपा ने स्विमिंग के लिए कोचिंग लेनी शुरू की और धीरे धीरे अपनी दुनिया का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। दीपा, कंप्यूटर क्लासेस कम पड़ती हैं जो इतनी रात को भी इसके सामने बैठी हो? विक्रम तुम देख रहे हो, बाहर के देशों में मेरे जैसे कितने ही लोग कितना कुछ अचीव कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, ड्राइविंग में, हर फील्ड में स्पेशल एबिलिटी वाले लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये सब बाहर के देशों में हो रहा है तो मैं इंडिया में करूंगी। विक्रम मैंने फैसला कर लिया है, ये सब करूंगी, सब कुछ। जरूर तुम सब कुछ करोगे। तुम्हें याद है मैं क्या क्या करता था? तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे मुझे कॉन्फिडेंस है। तुम जो भी कुछ करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूं। जानती तभी तो रिटायरमेंट लेकर मेरे साथ रहे हो।
दीपा का जिंदगी जीने का जज्बा हमें अपने सपने साकार करने की प्रेरणा देता है। स्टेफ्री विमेन फॉर चेंज भी यही चाहता है कि हर लड़की अपनी प्रेरणा अपने अंदर ही ढूंढे और अपने सपने साकार करे। दीपा और उसका परिवार अहमदनगर में बसा था और कुछ नया करने की चाह में दीपा ने वहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जो वहां के ऑफिसर्स की पसंदीदा जगह बन गया। हेलो मैम। हाय अतुल। नई बाइक? जी मैम। मैम ये बाइक नहीं, मेरी लाइफ। आप चाहे तो ये बाइक चला सकती हैं। Yeah, sure. Seriously, आजकल स्पेशल नीड्स वालों के लिए बाइक्स और कार्स कस्टमाइज हो जाती हैं। मतलब जैसी बाइक चाहिए वैसे बनाई जा सकती है? जी मैम। मुझे कहाँ से मिलेगी ऐसी बाइक? मैं बताता हूँ। जिसके मन की दौड़ को पैरों की नहीं हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत हो उसे भला कौन रोक पाया है। धीरे धीरे दीपा ने अपने पलों को जिंदगी से भर दिया, साथ ही अपने घर को उन अखबारों से जिसमें उसके अचीवमेंट्स के चर्चे थे। मुसीबतें सबकी जिंदगी में आती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। दीपा की जिंदगी में जो हुआ वो किसी को भी जिंदगी भर के लिए निराश करने के लिए काफी था, लेकिन दीपा की नस नस में आत्मविश्वास दौड़ता है। भारत की पहली पैराप्लेजिक कार रैली और रेड दे हिमालय और डेजर्ट स्टॉर्म जैसी मुश्किल रैलीज में भाग ले चुकी दीपा मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन किया। साथ ही पैरा एथलेटिक्स में शॉटपुट, जैवलिन और डिस्कस थ्रो में इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाने के बाद दीपा को एक ऐसा इनाम मिला जो उसकी जिंदा दिली का सम्मान था। कभी सोचा था कि तुम्हें अर्जुन अवार्ड मिलेगा? नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें याद है विक्रम, तुम हमेशा कहते थे कि एक आर्मी ऑफिसर की बीवी की सारी जिंदगी सिर्फ पैकिंग करते हुए निकल जाती है, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद से एक आर्मी ऑफिसर अपनी बीवी की पैकिंग करता है। वो जो कुछ भी हुआ वो नहीं। नो विक्रम, जो कुछ भी हुआ हुआ। हाँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया है दीपा, और आई सैल्यूट यू फॉर दैट। तुम पर गर्व है। दीपा जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए जी। वो मुझे आपको थैंक्स बोलना था। किस लिए? मैंने आपका लेक्चर सुना और आपके लेक्चर ने मेरी लाइफ बदल दी। दरअसल मेरी एक 12 साल की बेटी है और वो भी मेरी तरह है। आप बुरा ना माने तो आप उससे एक बार मिलेंगी?
आप उसे सिखाएंगी कैसे चलना चाहिए, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हर एक कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। मैं उसे सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि उड़ना भी सिखाऊंगी। चलिए हम अभी उसे चल के मिलते हैं। अभी? जी हाँ अभी। आइए बैठिए। दीपा आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो अपनी कहानी से जाने कितने ही लोगों को ये सीख देती है कि जिंदगी में मुसीबतें चाहे रुक रुक के आए या एक साथ, कम आए या ज्यादा, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अपने सपनों को साकार करने की कोशिश लगातार करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में आज भी न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं जो अपने सपनों को साकार करने से दूर हैं, जिन्हें मेहनत, लगन और हिम्मत के साथ साथ अच्छी सेहत भी चाहिए। स्टेफ्री विमेन फॉर चेंज भी एक ऐसी ही कोशिश है जो उन औरतों की जिंदगी बदलने में आपकी मदद करेगी जो एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी से दूर है। लेकिन इसके लिए आपकी मदद भी जरूरी है। आपके योगदान से एक औरत को मिलेगी डॉक्टरी जांच, हीमोग्लोबिन टेस्ट होंगे और उसे आयरन और कैल्शियम की गोलियां मिलेंगी ताकि वो अनीमिया से लड़ सके। और यही नहीं, आपके इस योगदान में जॉनसन एंड जॉनसन आपका साथ देगा। तो देर मत कीजिए, बदलिए एक औरत की जिंदगी ताकि उसे भी एक स्वच्छ, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने का हक मिले। दीजिए उसे पंख ताकि वो भी उड़ सके। जिसने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, जो लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनी, स्टेफ्री विमेन फॉर चेंज ला रहा है मैग्सेसे अवार्ड विजेता और हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी की सच्ची कहानी। अगले हफ्ते रविवार सुबह 11:30 बजे मुझे पंख दे दो सिर्फ लाइव ओके पर।